नमस्कार, मैं हूं अमृत शर्मा। आप देख रहे हैं एसटीएस टाइम। भिवंडी के इस कांबोरी नदी पर मैं इस वक्त खड़ा हूं और मेरे साथ में भिवंडी शहर की शिवसेना, पूरी की पूरी शिवसेना टीम यहां पर आई है। कांबोरी नदी पर हम क्यों आए आज जरा देख लेते हैं कि मेरे पीछे की तरफ आप जो देख रहे हैं, ये जो नदी है, ये नदी हरी नदी बन गई है पूरी तरह से, और ग्रीन मतलब पूरी तरह से। आप उस तरफ भी देख सकते हैं कि ये जो मिलत नगर का पीछे का इलाका है और नदी के उस साइड का जो शेलर गांव का इलाका है, ये नदी एक तब्दील हरी नदी में तब्दील हो गई है। हालांकि ये जो नदी के ऊपर पहले हरी नदी काई के रूप में जानी जाती थी, मगर ये काई नहीं, एक तरह की खेती की गई है यहाँ पर, और एक तरह की घास है, और ये घास यहाँ पर उगाई जाती है, यहाँ पर फार्मिंग की जाती है, और इस फार्मिंग कर इसको रात के अंधेरे में कुछ लोग आकर काट कर लेके जाते, ऐसा आरोप शिवसेना के लोग लगा रहे। आइए जानते हैं कि शिवसेना के लोग इसके बारे में किस तरह का आंदोलन करना चाहते हैं, इस नदी के बारे में क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, और भिवंडी शहर को क्या जानकारी देना चाहते हैं, और इस नदी पर जो जिस तरह से इस नदी में एक पवित्र नदी हमारे भिवंडी की मानी जाती है कांबोरी नदी, इस नदी की जो दुर्दशा हम देख रहे हैं वो काफ़ी मतलब भयानक अवस्था में यहाँ पर दिख रही है। आप जानते हैं हमारे बीच में शिवसेना के नीलेश केकन सर है, पहले तो उनसे जानते हैं। सर, पहले तो ये बताइए कि जो नदी की जो अवस्था है, इस अवस्था के लिए कौन उसके पीछे कारण है? इसके पीछे हमारा जो प्रशासन है वो सौ टक्का इसके पीछे कारण है, और उसके बाद में हमारी जो जनता है उसके ऊपर प्रबोधन नहीं होने की वजह से ये सब चीज़ हो रही है। क्या पूरा ये मामला है, मराठी में बोलोगे तो भी चलेगा, ये मामला क्या है? जो ये नदी है, इस नदी में जो हरी नदी दिख रही है उसके, मैं महाराष्ट्र आम्ही आता आमके शहर प्रमुख प्रसाद जी भाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली पाणी दौरा करण्यासाठी इथे आलो होतो। पाहिलं की या नदीची अवस्था अत्यंत बिकट आहे। या नदीला नाल्याचं स्वरूप आलं असं जर आपण म्हणालो तर नाल्याचा सुद्धा अपमान होईल, कारण नाल्यामध्ये सुद्धा इतकी घाणेरडा प्रकार नाल्यातसुद्धा होत नव्हतं, परंतु तो झालेला आहे आणि त्याला भिवंडीकर म्हणून आपण सगळे जबाबदार आहोत। पण असं हातावर हात ठेवून गप्प बसण्यात काही अर्थ नाही, आणि आम्ही त्याचा सुरुवात करणार आहोत। आता आम्ही फक्त पाणी दौरा इथे करायला आलो आहे। पाणी दौरा करत असताना ती जलपर्णी जी आहे तिथे आलेली दिसते आपल्याला, ती जलपर्णीचा एक व्यवहारच चालतो आहे। इथे एक प्रकारची शेती केली जाते, रात्रीच्या अंधारात काळोख्या अंधारात गाड्या घेऊन हे सगळे जलपर्णी घेऊन कुठल्या डाईंगला किंवा कुठल्या कंपनीला ह्याची विक्री केली जाते, याच्याकडे प्रशासनाचं अक्षम्य दुर्लक्ष आहे। त्याच्यानंतर पाहिल्यास ही नदी अतिशय प्राचीन नदी आहे, या नदीला एक इतिहास आहे, इतिहासात या नदीचा उल्लेख आढळतो, परंतु प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळे याची परिस्थिती अत्यंत गंभीर झाली आहे। या ज्या बाजूला ज्या डाईंग्स आहेत त्या डाईंगमध्ये याचं सांडपाणी सोडलं जाते, त्याच्यानंतर इथे लोक शौचास बसतात, गंजडी लोकांचा वावर इथे, दारुड्या लोकांचा वावर, सगळी जो घाणेचा कचरा जो आहे तो इकडे येऊन फेकला जातो। आणि त्या नदीमध्ये आपण आपला इष्ट देवता गणपती, आज त्या गणपतीचा जन्मदिवस आहे, आणि त्या गोष्टीचा औचित्य साधून आम्ही इथे आज इथे पाणी दौरा करायला आलो आहे। बघितल्यानंतर खूप मन दुःखी झालेलं आहे आणि कुणीतरी पेटून उठलं पाहिजे, म्हणून आम्ही आमच्या पक्षाद्वारे विचार केला की आता आम्ही सुरुवात केलेली आहे, तर त्या थेट त्या लास्ट शेवटपर्यंत आम्ही त्या घसास नेल्याशिवाय आम्ही आता गप्प बसणार नाही आहोत। या नदीला जे जुनं वैभव आहे ते प्राप्त झालंच पाहिजे, आणि ते करून घेण्यासाठी जे पण करावं लागलं, जर प्रशासनाने आमच्याकडे दुर्लक्ष केलं, आम्ही त्यांच्याकडे लक्ष देऊन अर्ज करून आंदोलन तीव्र आंदोलन करून सुद्धा त्यांनी दुर्लक्ष केलं, आम्ही एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हे जरूर टाकणार आहोत पक्षाच्या वतीने, आणि या भिवंडीकरांना या नदीला न्याय देण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत। हमारे बीच में यहाँ के स्थानिक लोग भी है, आइए जो ऑटो रिक्शा चालक है उनसे भी जान लेते। सर, ये बताएंगे कि पहले तो ये जो आप जो नदी देख रहे हैं, इसकी जो हालत आप देख रहे हैं, ये एकदम हरी हो गई है, क्या मामला है, कौन आते हैं, कौन लोग आते हैं? इसका कारण है सर, अपने नदी पहले साफ सुथरी रहती थी, हमारा बचपना गुजरा यहीं अपने ने, कि हम 1972 से यहाँ पे रहते हैं नदी नाके पे, नदी के किनारे, बाकी कुछ 3-4 साल से ये हो रहा है, कुछ लोग आके जलकुंभी डाल के जाते और इसको बड़ी होने पे लेके जाते तोड़ तोड़ के कोई कंपनी पे, रिक्शा वालों को जो कि वो 5-5, 6-6 सौ रुपया भाड़ा देते हैं, तो ज़रूर अपने ने कि खींचे तो देते नहीं होंगे, कुछ कमाई होता होगा तभी देते होंगे वो लोग भाड़ा, तो कौन लोग अपने ने इसकी मालूमात किया जाए।
और नदी का पानी अपने डाइंग वाले खींचते हैं अपने के मोटर पानी में नदी में रखे है, नदी का पानी खींचते हैं क्या और उधर बेचते हैं। और इधर नदी पे बैठने उठने को जगह है तो बावड़ी पे से पानी बोलती है और बावड़ी में कनेक्शन नदी का है। और इधर से बैठते उठते हैं थोड़े भाई लोग अपने यानी कि थोड़ा बैठने उठने को जगह है तो बैठने उठने की जगह की टैंकर चलते हैं, सब हमको भी तकलीफ होता है। और बावड़ी का पानी सब अपने बावड़ी में बोलते हैं, नदी का पानी खींचते हैं और नदी तापड़ोप सूख जाता है। और ये बिल्डिंग वाले भी अपने इधर इधर बताओ अपने यही बिल्डिंग वाले भी रहते हैं तो सब नदी में कचरा फेंकते हैं सर, इस पर भी जानकारी इंक्वायरी की जाए अपने के। ये नदी पहले अपने साफ सुथरी थी, हम लोग पानी पीते थे इतनी नदी साफ सुथरी रहती थी हमारे बचपन में। हम नदी घर का नहीं पानी पी के नदी पे खेलते कूदते थे और यही नदी का पानी हम पीते थे। आज ये नदी ऐसी हो गई कि इसमें अपने ने क्या हाथ धोने के लायक नहीं ना कुछ नहीं। कोई लोग आते हैं यहाँ पे अपने परदेशी लोग अपने उनको घरदार नहीं रहता है, काम करते कारखाने में सोते, आके नदी में नहाते सर, कपड़ा उपड़ा धोते, उस काबिल नदी रही नहीं। और आगे चांद्रा से एक अपने ने के नाय गाँव से नाला बहुत बड़ा आया है, उसकी भी पूरी गंदगी यही नदी में आती है सर, तो इसको बंद किया जाए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। कामवारी नदी पे अनेक प्रकार के भयंकर अनेक प्रकार के जो तकलीफें हैं वो जो तकलीफ ये दिखाने का प्रयास आज हमारे चैनल के माध्यम से किया गया, जो जिस तरह से कामवारी नदी को मतलब एक तरह से नोचा जा रहा है या एक तरह से उसका यूज़ किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं थमना चाहिए। उसी को लेके चलते आज भिवंडी शहर की जो शिवसेना ने आज यहाँ पर आकर एक तरह का दौरा किया है। और अभी अब हम जानते हैं कि शिवसेना के जो शहर प्रमुख हैं उनका इसके बारे में, इस नदी के बारे में और पूरे इस जो ये जो कांड चल रहा है इस कांड के बारे में क्या कहना है सर। पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत, और क्या कहेंगे सर जिस तरह से ये जो नदी में जिस तरह से नदी अनेक प्रकार की जो कांड हो रहे हैं उसके बारे में क्या कहना है। जय महाराष्ट्र जय। पहले तो माझं हे म्हणणं आहे की आजूबाजूच्या डाईंग आहे त्या डाईंगचं पाणी याच्यामध्ये सोडलं जातं आणि केमिकलचं पाणी आहे ते, त्यामुळे सगळीकडे घाण होऊन गेलेली आहे आणि गटारांचं पाणी याच्यात सोडलं जातं। महानगरपालिकेने याच्याकडे लक्ष देणं फार गरजेचं आहे। तर महानगरपालिका लोकांनी वेळोवेळी अर्ज केलेले आहेत, भिवंडीच्या पब्लिकने अर्ज केले, स्थानिक लोकांनी अर्ज केलेले आहेत, त्यांना त्रास होते पण कोणच त्यांच्याकडे लक्ष देत नाही, दुर्लक्ष केलं जातं। हे जर असंच राहिलं तर याविषयी आम्ही आंदोलन करू। आता आमचे उपशहर प्रमुख जे बोलले त्या पद्धतीने आम्ही पुढचं पाऊल उचलू। ये थे हमारे भिवंडी शहर के शिवसेना के शहर प्रमुख, उन्होंने आज दौरा किया और आज इस नदी पर जो भी जिस तरह से भी जो काम हो रहा है उस काम को भी रोकथाम लगनी चाहिए और रोकथाम लगने के लिए आज का ये दौरा था। भिवंडी से अमित शर्मा, एसटीएस टाइम्स।